गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते सभी को। स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर वन कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो बच्चों, जैसा कि हर संडे आप सभी लोगों से बातचीत होती है और ख़ासकर जो है संडे का जो दिन होता है वो स्पेशल, जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का टेस्ट होता है, चाहे वो वार्षिक पाठ्यक्रम के बच्चे हों चाहे वो क्रैश कोर्स के हों, ठीक है, सभी का टेस्ट होता है संस्थान में। तो आज उसी क्रम में हम सबसे पहले आज आप सभी लोगों से जो है बातचीत कराएंगे और दिखाएंगे भी किस तरीके से जो वार्षिक पाठ्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, यूपी के टेट एग्रीकल्चर के बच्चे जो हैं, जो वार्षिक पाठ्यक्रम वाले हैं, उनका धीरे धीरे करके आज ये टेस्ट नंबर 36 जो कि कंबाइंड टेस्ट है। बाकी हमने आप सभी को बहुत सारे टेस्ट के बारे में तो दिखाया ही नहीं, जो टॉपिक वाइज होते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं वो तो क्लास में ही हो जाते हैं, लेकिन जो संडे का प्रोग्राम होता है वो एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। और चूंकि ये जो संडे का प्रोग्राम होता है एक तरीके से यूपी कैडेट का ही एग्जाम मानिए, धीरे धीरे करके बच्चे जो है आज यूपी कैडेट का 36वां जो है टेस्ट जो है दे रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जब से जो है बच्चे एडमिशन लिए हैं जुलाई से, ठीक है, तब से आज तक कोई संडे गैप नहीं हुआ कि टेस्ट ना हुआ हो। मुझे नहीं लगता है कि कानपुर का कोई ऐसा संस्थान होगा जो पूरे 200 प्रश्नों का पेपर हर संडे बिना ब्रेक के कराया होगा। और उसी का परिणाम है जब रिजल्ट आता है तो तिवारी एग्रीकल्चर के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कैसे हो जाते हैं सारे बच्चे सेलेक्ट, ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों अगर 36 टेस्ट हो चुका है और 36 को आप 200 से गुणा कर दीजिए, इतने प्रश्न तो उनके पास पहुंच गए। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट वाइज जा रहे हैं, हर टॉपिक के टेस्ट जा रहे हैं, स्टडी मटेरियल जा रहा है, सारी चीज़ें जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों के सामने से सारे प्रश्न वो गुजर चुके होते हैं जो यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा में आते हैं, इसीलिए सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरी बात बच्चों, हम ये बताना चाहेंगे कि मेरा काम यही है, सुबह से लेकर शाम तक यही काम करना, कोई पार्ट टाइम कोई जॉब तो है नहीं। एग्रीकल्चर की कोचिंग चलाना और पढ़ाना ये मेरा जो है परमानेंट काम है, फुल टाइम नौकरी है। और अगर आप भी लेना चाहते हैं सिलेक्शन, आप भी सरकारी कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ने का सपना साकार करना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों आप सभी लोगों को बेस्ट चुनना पड़ेगा, है ना। सस्ती फीस के चक्कर में, 1-2 हज़ार के चक्कर में लोग बहुत सारे लुभावने ऑफर देते हैं कि आप स्कूल के फर्स्ट रैंकर हो, सेकंड रैंकर हो, टॉपर हो, आपकी इतने प्रतिशत फीस छूट कर दी जाएगी। तो इन सब चक्करों में ना पड़ें, अपने भविष्य के साथ आप खिलवाड़ ना करें। जो बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी परिवार से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कितनी मेहनत होती है यहाँ पर, ताबड़तोड़ मेहनत सुबह से लेकर शाम तक होती है, विद्यार्थियों के हित में काम होता है। और उसी का परिणाम आता है कि जब रिजल्ट आता है तो पूरे पूरे बैच सेलेक्ट हो जाते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्री यूपी कैडेट टेस्ट हमने क्यों लिखा, क्योंकि यूपी कैडेट एग्जाम होने वाला है, 30 मई निश्चित रूप से एग्जाम हो जाएगा। तो ये प्री यूपी कैडेट टेस्ट नंबर 36 है, एग्रीकल्चर बच्चों के लिए है, यहाँ होता पूरे बैच का सिलेक्शन। और हाँ, आज की डेट पर चाहे एग्रीकल्चर के बच्चे हों चाहे मैथ्स बायो के हों किसी के हों, सभी का टेस्ट जो है आज होगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये यूपी कैडेट कृषि वर्ग का बैच, जो पूरे साल का पाठ्यक्रम है वो सारे बच्चे दे रहे हैं टेस्ट। और अभी इसके बाद जो है मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों का टेस्ट होगा, चाहे वो वार्षिक बैच हो चाहे वो क्रैश कोर्स हो। इसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक क्रैश कोर्स के विद्यार्थियों की एक्स्ट्रा क्लास होगी प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करके, और इसके बाद 12 बजे से उनका टेस्ट होगा। और शाम को महामैराथन क्लास में आप सभी को जुड़ना है, सभी का जो है स्वागत है। और दूसरी बात, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो है किस तरीके से कितना कितना कंटेंट आता है,
स्टडी मटेरियल क्या हम प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है, एक मिनिमम शुल्क में आधुनिक सुविधाएं देने वाला कानपुर का एकमात्र संस्थान है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। तो विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्शन, तो चुनना पड़ेगा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को, जहां पर हर एक बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है, स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है, और हर संडे टेस्ट होता है, रेगुलर जो टॉपिक वाइज आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आइए पहले तो हम स्टडी मटेरियल दिखाएंगे, इसके बाद चलेंगे जहां पर यूपी कैटेट ईयरली बैच का जो बैच है, तो ईयरली बैच के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के जहां पर टेस्ट दे रहे हैं वहां पर आप लोगों को दिखाएंगे। आइए देखते हैं, ये विद्यार्थियों देख सकते हैं आप, इतना स्टडी मटेरियल आता है बच्चों के लिए, इतनी सारी फोटो कॉपी आती हैं। शुरुआत में बच्चे जब एडमिशन लेने आते हैं तो उनको नहीं पता चल पाता है कि स्टडी मटेरियल होता क्या है आखिर, है ना। तो ये स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे नोट्स हैं, और जो अभी आपका क्रैश कोर्स का टेस्ट नंबर 9 होने वाला है उसकी भी फोटो कॉपी आ चुकी है। पूरे 200 प्रश्नों का टेस्ट है, इसको 12 बजे मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयास करूँगा। और वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश के जो भी विद्यार्थी अभी भी भटक जाते हैं, कानपुर में आ करके लोग गुमराह कर देते हैं, ऐसे बच्चे जो है बचें और बेस्ट चुने, तभी आपके साथ बेस्ट होगा, है ना। बाकी तो कोचिंगें बहुत सारी खुली हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, लेकिन आपको वही संस्थान को सेलेक्ट करना है जो देता है सर्वाधिक सिलेक्शन, पूरे बैच का सिलेक्शन। आइए हम चलते हैं वहाँ पर, उस स्थान पर चलेंगे, उस हॉल में चलेंगे जहाँ यूपी कैडेट कृषि वर्ग के वार्षिक पाठ्यक्रम वाले बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट नंबर 36, ठीक है, और लगातार हम लोग लगे हुए हैं, 7 बजे से टेस्ट चल रहा है। आइए हाल में चलते हैं, आइए। भारत माता की, भारत माता की जय जवान। टेस्ट नंबर कौन सा है? 36 ना। पेपर कैसा है? बढ़िया है। लगातार टेस्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? जो कहा जाता वही किया जाता कि कुछ और? हाँ, तो पूरे बैच का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि हर संडे होता है, क्योंकि हर संडे आप सभी लोग देते हैं यूपी कैडेट का एग्जाम। क्या देते हैं? यूपी कैडेट का एग्जाम देते हैं कि नहीं? और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा पेपर नहीं कराया गया जिसमें 200 ना हो, पूरे हर संडे 200 क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? और बाकी जो है, जो सब्जेक्ट वाइज आपको दिया जा रहा हो तो अलग है, है ना। तो सभी लोग एक बार फिर से बोलेंगे, सफलता का एकमात्र विकल्प, सफलता का एकमात्र विकल्प, जय जवान जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। सिलेक्शन लेना है तो कहाँ आना है? सिलेक्शन लेना है तो कहाँ आना है? चलिए नीचे रखिए। कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा? हैं? यही तो कमी है, जो है जैसे करो तुरंत जो है गोला भरते जाओ, समझिए ना, तुरंत तुरंत करो। बोला भरो जल्दी से। टेस्ट नंबर 36 चल रहा है, ये यूपी कैडेट कृषि वर्ग के बच्चे हैं, वार्षिक पाठ्यक्रम। और इसके बाद जो है मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चों का टेस्ट होगा, अभी वो भी दिखाएंगे। और इसके बाद क्रैश कोर्स के बच्चों का भी टेस्ट 12 बजे से शुरू होगा, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और दिखाने का मुख्य जो है रीजन यही है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कोचिंग कहाँ ज्वाइन करना है और कैसे जाने कि कोई भी कोचिंग बेस्ट है। तो YouTube चैनल के माध्यम से 2020 से लगातार जो भी व्यवस्थाएं चलती हैं तिवारी एग्रीकल्चर में, वो सब वीडियो बना करके वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा,
और जो भी आपके मिलने जुलने वाले हों, सगे संबंधी हों, जो भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि सुबह 7 बजे से 1 बजे रात तक काम करने का, कि अब विद्यार्थियों को जागना ही पड़ेगा और वहीं पर कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा जहां पर जो है पूर्ण समर्पण हो। और लिखने को तो बहुत लोग लिख लेते हैं कृषि के क्षेत्र में समर्पित संस्थान, लेकिन अगर समर्पण की बात करेंगे तो उसका सही अर्थ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है और लगातार जो है आप सभी के सामने सिद्ध हो भी रहा है कि जो परिणाम आते हैं, पूरे पूरे बैच का सिलेक्शन क्यों होता है, उसका कारण है कि जब बच्चे जुलाई में एडमिशन लेते हैं, जुलाई से लेकर के आज तक कोई भी संडे ऐसा नहीं हुआ कि इनका टेस्ट ना हुआ हो। लगभग सभी संडे, मैंने वीडियो भी बनाया है, कभी ऐसा हुआ हो कि मान लो ध्यान ना रहा हो या मान लो मैं यहाँ नहीं हूँ, तो हो सकता वीडियो ना अपलोड हो। बाकी आपको लगातार वीडियोस देखने को मिलेंगे। बाकी जो बच्चे कानपुर आ चुके हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं कानपुर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, उन सभी को पता चल रहा होगा किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। बाकी दूसरे संस्थानों में पढ़ रहे छात्र भी, लगभग सभी बच्चे मॉडल पेपर ले चुके हैं और सभी बच्चों को पता चल चुका है। और जो दूसरे संस्थान में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो तो मान लो क्रैश कोर्स में इधर उधर भटक गए, लेकिन आने वाले जुलाई महीने में जो वार्षिक पाठ्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर कोई बच्चा भटके ना। सबसे बड़ी बात, जिस डेट को बैच स्टार्ट हो, सभी को अगर 100% कॉन्फिडेंस के साथ 2024 में, जिनको 2023 में जिनका मान लो नहीं हो पाता है, अगर वो 24 के लिए सपना देख रहे हैं, तो जिस दिन बैच स्टार्ट हो उसी दिन उनको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। खासकर जो बच्चे कक्षा 12 में हैं, उन विद्यार्थियों को जो है ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। जब उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होने लगेगा तो वो हाइब्रिड क्लास के माध्यम से घर बैठे पढ़ेंगे। बाकी जो है 1 जुलाई से जो है यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से। पहले दिन से ही क्लासेस ज्वाइन करें और आपकी रैंक 100% बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो सभी लोग शेयर ज़रूर करें इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की मेहनत को और रिजल्ट को, जो सफलता है उसको बताने का आप सभी लोग प्रयास करें। कैसे कर सकते हैं, मात्र एक शेयर करके ये मुहिम को आगे बढ़ाइए, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो आज क्रैश कोर्स में इधर उधर भटक करके और आज पश्चाताप कर रहे हैं कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी गए होते, क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे जब मुझसे मिलते हैं तो बताते हैं कि हम तो आपके लिए ही आए थे, लेकिन इन्होंने कह दिया वहाँ चले जाओ। ऐसे बच्चे ध्यान दें, किसी के बताने पर इधर उधर भटकाने पर आपको नहीं भटकना है, सीधे सीधे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आना है, ठीक है। सभी लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा। अभी अन्य बैचेज में जो भी टेस्ट होंगे उनको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।